चले। दोस्तों 1967 में रिलीज हुई सुनील दत्त और राजकुमार की फिल्म हमराज ने बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली विमी को रातों रात स्टार बना दिया था। धरती का प्यार पले ऐसे ही जग में। 60 और 70 के दशक में पर्दे पर राज करने वाली एक्ट्रेस विमी की खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। आती है सुबह ऐसे ही शाम ढले। फिल्म की कामयाबी से विमी को करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। नीले गगन के तले। हालांकि शराब की लत, बढ़ते कर्ज और खराब फैमिली लाइफ ने विमी का करियर बिगाड़ दिया था। तुम मगर साथ देने का वादा करो। फिल्मों में आने से पहले ही विमी शादीशुदा थी, लेकिन इससे उनके फिल्मी करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। उनके पति का नाम शिव अग्रवाल था, जो कलकत्ता के एक बिजनेसमैन थे। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो। इस शादी से विमी के घरवाले उनसे बेहद नाराज हो गए थे। मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। खबरों की माने तो विमी के पति उनके करियर में बहुत ज्यादा दखल देने लगे थे। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो। उनके सास ससुर को भी फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। कहा जाता है कि विमी के पति उन्हें काफी प्रताड़ित करते थे। मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। यहाँ तक कि विमी को कौन सी फिल्म करनी चाहिए या नहीं, ये सब विमी के पति तय करते थे। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का। पति की वजह से उनका स्टारडम कम होने लगा। इरादा है परस्तिश की तमन्ना है। आखिर में विमी के पति ने अपने माता पिता के कहने पर उनको तलाक दे दिया था। इबादत का इरादा है किसी पत्थर की। तलाक के बाद विमी बिल्कुल अकेली रह गई थी। मूरत से विमी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिल्म मेकर उनसे कतराने लगे थे। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ। और विमी को फिल्में मिलना बंद हो गई थी, जिससे विमी के पास ना तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और ना ही प्रोफेशनल। जाएगा ओ, विमी प्रोड्यूसर जोली के साथ रहने लगी थी। जोली ने उनकी मदद कम की और उनका शोषण ज्यादा किया। जों के गायूं आज मेरे दिल रात गुजरे। हालांकि शराब की लत, बढ़ते कर्ज, खराब फैमिली लाइफ ने विमी का करियर बिगाड़ कर रख दिया था। सुबह न आए जैसे कोई बचपन की कहानी। और विमी का अंत भी बेहद दर्दनाक हुआ था। विमी इस कदर गुमनामी में चली गई थी कि उनकी कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं था। डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालात खराब होने की वजह से विमी ने खुद को शराब के हवाले कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि आर्थिक तंगी के चलते विमी ने खुद को वैश्यावृत्ति के हवाले कर दिया था और इससे उनका बचा कुचा करियर भी बर्बाद हो गया था। विमी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ था। आखिर में विमी के लीवर ने भी काम करना छोड़ दिया था। 22 अप्रैल 1977 में विमी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 34 साल थी। विमी के पार्थिव शरीर को अर्थी तक नसीब नहीं हुई थी। इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी शव यात्रा निकाली जाए, इसीलिए उनके पार्थिव शरीर को एक ठेले पर डालकर ले जाना पड़ा था। उनकी अंतिम यात्रा में बस 4-5 लोग ही थे। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री विमी कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी मसालेदार व ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।